मैं करता हूँ बात। नहीं वो उनका नहीं मूड सही होगा, तबीयत खराब है उनकी, जाओ ना प्लीज। क्या लो अपना अच्छा अभी क्या हुआ है अभी? हाथ से नहीं गुस्सा आ गया भाई, गुस्सा आ गया भाई, खतरनाक वाला हो गया भाई। अभी रिसेंटली हमने रिएक्शन किया था सिस्टरलॉजी का एक प्रैंक वीडियो, जिसमें ये अरीब को इग्नोर कर रही थी इकरा, और वहाँ पर रिक्वेस्ट आई कि भाई ये प्रैंक कुछ नहीं है, आप वो प्रैंक देखो जब इन्होंने प्रैंक किया था अरीब के ऊपर भाभी के साथ लड़ाई वाला। तो आज हम देखेंगे इस प्रैंक को और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये प्रैंक जो है हर घर की कहानी, मतलब देरानी और जेठानी में तो लड़ाई होती रहती है ना, तो अरीब को शायद इस पे पक्का यकीन आ जाएगा यहाँ पर अरीब फंसने वाला है। लेट्स सी क्या होता देखते है क्या होता है। ये अभी। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि अरीब पे ना कोई प्रैंक करे। भाभी आपने मेरे से लड़ना है। मैं भी लड़ना है। हाँ अरीब के साथ प्रैंक के टाइम में 24/7 रेडी हूँ। भाभी को भी कन्विंस करें। चाय बना दो, कुछ खिला दो, सर दर्द हो रहा है। क्या किचन में गंद खाला हुआ? ये कोई तरीका है आपका मेरे से बात करने का? किस रोज में बात करेगा? तमीज है कि नहीं है? क्या हो गया? ना करे कुछ, मैं खुद ही कर लूंगी। कैसे बात कर रही है यार? यार तुम पहले यहाँ से चलो, छोड़ दो चीज, कुछ फायदा नहीं। तुम लोग क्या कर जा रही हो? मैं क्या कह रहा हूँ, चलो यहाँ से। मजा आने वाला भाई इसमें तो। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब सिस्ट्रोलॉजी अगर नहीं किया है तो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सिस्ट्रोलॉजी, दिस इज मिकरा कॉल। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। खूबसूरत दिन मेरा आज का शुरू हो गया है। सारे घर के काम धाम करवा लिए थे, घर मैंने पूरा समेट लिया है। अरीब साहब जो है वो अपने काम से निकले हुए हैं और मैं घर पे अकेली थी। मैं सोच रही थी कि मैं कोई व्लॉग व्लॉग स्टार्ट करूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। खैर मेरे दिमाग में ना एक बड़ा आइडिया है, क्योंकि मुझे बड़े सारे लोगों ने ना कॉमेंट करके बड़ी चीजें बोली हुई थी कि ये करें ये करें ये करें, तो उनमें से एक चीज मेरे माइंड में बड़ी क्लिक कर रही है, तो वो कुछ हल्का फुल्का अरीब के साथ ही होगा। खैर अभी मेरे माइंड में जो चीज है वो मैं अभी आपको नहीं बता रही, क्योंकि मैं नीचे जाकर पहले भाभी से डिस्कस करूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मैंने अपने घर को कितना चकाचक 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 साफ कर लिया, ये देखो भाई कोई कचरा मंडी नहीं रहा, पेंट शेड वाली सिचुएशन सॉल्व हो गई है। अब बस जो हम 4 दिन पहले जाके ऑर्डर करके आए थे अपनी चीजें, वो हमारे घर पहुंचेंगी जैसे ही, वैसे हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देंगे। खैर ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, अभी चलते हैं पहले भाभी के पास पहुंचते हैं, जरा मशवरा करते हैं कि अरीब के साथ ऐसा क्या किया जाए कि अरीब जो है वो एकदम गुस्से से धर्म भरम हो जाए। अगर तो भाभी मान गई तो टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा कि भाई भाभी मान गई, क्योंकि भाभी से बात करना जरूरी है, भाभी का कॉन्सेंट लेना जरूरी है, उनके बगैर मैं अरीब के साथ कोई चीज नहीं कर सकती उस तरह से। चलिए गाइस हम पहुंच चुके हैं नीचे। भाभी अस्सलाम वालेकुम। बिल्ली कहाँ है? बिल्ली मैंने अपने पापा के साथ लिया। बिल्ली फिरती रहती है, आवारा गलती करती है। भाभी मेरे ना खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया है, भला मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपसे कहूँ हमने ना कौन सा आइडिया आया भाई। मैं व्लॉग कर रही हूँ तो ना बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि अरीब पे ना कोई प्रैंक करे। अब उसमें मैं क्या ही प्रैंक अकेले बैठ के कर सकती, तो मैंने कहा मैं भाभी के साथ मुलव्वस करती हूँ। अरे अल्लाह, और प्रैंक तो सुने जो मेरे मायने में आ रहा है। भाभी आपने मेरे से लड़ना है। भाभी देख ले एक लड़ाई कितने औरतों का तो फेवरेट हॉबी होता है। अल्लाह अल्लाह मुझसे हांडी रोटी करवा लो, मुझसे लड़ने। भाभी देखे ना मान जाए ना, उसके साथ प्रैंक करेंगे, दोनों कहेंगे देवरानी जेठानी लड़ पड़े, उसका रिएक्शन देखेंगे ना कितना मजा आएगा। वैसे तो हम लोग नहीं लड़ते हैं, भाभी बिल्कुल लड़ने वाली नहीं है, मैं डबल नहीं लड़ने वाली हूँ, तो हम दोनों ही बहुत मतलब हंसी खुशी रह रहे हैं। लेकिन हम ये हंसी खुशी अरीब को हजम नहीं होने देंगे। क्या ख्याल है आपको, लगता है वो रिएक्शन करेगा? आप पहले बताएं कि आप मेरा साथ देंगी, बस ये मुझे बताएं। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। मैं लड़ नहीं सकती हूँ, हंसी आ जाएगी, मैं किस तरह करूँगी? प्लीज मान जाए ना भाभी। देखे ये दोनों मियाँ बीवी ने हर प्रैंक में मुझे मिला, वो रिंग प्रैंक हुए रीव साहब ने मुझे मिला लिया, फिर उसके बाद 3 मिलियन उसमें रीव साहब ने मुझे लवलेस कर लिया। तो भाभी आप प्रैंक्स की मास्टर हो गई हैं। अल्लाह, तो अब मैम ये प्रैंक पर टफ है यार थोड़ा। हाँ आराम से प्लानिंग कर सकते हैं। हाय अल्लाह, कौन है?
बिल्ली आ गई होनी है। बिल्ली आई है। आई अल्लाह मेरे बेचारे, बिल्ली आ गई है, मेरी बिल्ली आ गई है, मेरे बेचारे। इसको बिल्ली बोल रहे हैं, मेरे को लगा सच में बिल्ली है भाई। मेरे भाई भी आ गए हैं, हम उनसे भाई हमने ना प्रैंक करना है आज, आपकी बीवी ने और मैंने लड़ाई करनी है। भाई कह रहे सचमुच में हो जानी है। भाई प्लीज कोऑपरेट करना है आपने, हल्का फुल्का प्रैंक करीब पे करना है ना, देवरानिया जेठानिया लड़पड़ी के साथ। प्रैंक के टाइम में 24/7 रेडी तुम लोग के साथ। नहीं हंसी आए, मैं तुम्हें डांटता हूँ ना यार, बहुत मुश्किल है कि हम लड़ेंगे किस बात पे। मतलब इस चलें भाई, टॉपिक बताएं किस बात पे लड़े हम। मतलब अभी वो आएगा थप्पड़ मारा। अल्लाह हाय, मैं सदके और तुम आई हो, ये है शक्ल थप्पड़ों वाली, और तुमने आके कहा क्यों मारा आपने इसको, आप लोग बच्चे को ख्याल नहीं करते, ये नहीं करते। अच्छा नहीं 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 नहीं, अरीब इस चीज को मान ही नहीं सकता, उसको पता है कि इकरम उसकी तरह प्यार करती है, उसको नहीं मारेगी। तो इकरम ने नहीं मारा, तुमने मारा है। तो वो मार, वो तो मार सकती है, उस पे वो क्या कहेगा, कुछ भी नहीं। मैं क्यों लड़ी हूँ, मैं अम्मी लगी हूँ, मैं प्यार करता हूँ मारने का। जनाब हमारी लड़ाई कैसे होगी हमारी आपस की, वो तो माँ है ना। मैं जुहान की कोई और होती तो उससे तो मैं लड़ रही होती ना। अभी जुहान बेचारे को लड़ाई से दूर रखते हैं। भाई आपका तो बिल्कुल ही बुरा पाती हो गया दिमाग। कोई किचन की बात, कोई औरतों वाली बात, कोई देवरानी जेठानी वाली बात, कोई फुफियों वाली बात, कोई सासों वाली बात। भाभी ये आपका बंदा, आपका बंदा नहीं ठीक है, ये बार बार कह रहा है लड़ लो। बस थोड़ी देर में हम टॉपिक जरा डिस्कस करते हैं, तब तक हम थोड़ा बिल्ली के साथ। बिल्ली ये देखो, ये गटर गुल्ला बैठा पानी पी रहा है। गटर सिंह अब से गाइस इसका नया नाम है मिट्टू सिंह, पहले मट्टू सिंह था, मिट्टू सिंह है। गटर गुल्ला। मोमेंट्स लेटर जो अरीब और के साथ प्रैंक करना है, भाभी को कन्विंस कर लिया है। भाई कर लिया आपने? हाँ ओके ओके बेगम, ओके करो तुम, बस को ओके करो इकरा को। प्रेशर कुकर पे लड़ पड़ते हैं, कढ़ाई पे लड़ पड़ते हैं, हंडी रोटी पे लड़ पड़ते हैं। ओके करोगे तो मैं फूड लेके दूंगा। भाई फिर आपको सेइंग यस चैलेंज करना पड़ेगा भाभी के साथ, वो आपकी बात मान रही है। देख भाई कह रहे हैं तू हाँ ते कर, ये तू हाँ या ना कर तेरी मर्जी सोनी है, तेन प्रैंक चे ध्यान आ पाएगा। भाभी हसेंगी नहीं, बस पता है उसको, पता चल जाएगा बहुत चलाक है, उसको पता चल जाता है। मैं तो पक्की एक्टिंग कर लूंगी, मैं तो राबिया के साथ रह रहा के ना प्रैंकस्टर बनूंगी, ठीक है। तो लेकिन मेरी हंसी निकल जाती है, मैंने बहुत कम प्रैंक्स किए हैं, मेरी हंसी निकल जाती है। फाइनली हमने भाभी को कन्विंस कर लिया कि वो मेरे साथ फाइट करेंगे। हम कैमरे को किसी बहुत ही अच्छी जगह पे एडजस्ट करेंगे, पहले तो अरीब से आते हैं, मिलते हैं, मैं व्लॉगिंग श्लॉगिंग करूंगी, फिर बातें शातें करेंगे। उसके बाद हमने एकदम अपना जो है ना वो टॉपिक सोचना है, टॉपिक सोचेंगी आप भाभी। तो अब हम वेट करते हैं अरीब का, जैसे ही अरीब आते हैं उसके बाद हम लोग एडजस्ट करेंगे कैमरा। भाभी तब तक हम प्लेस सोच लेते हैं ना, मैंने कैमरा एडजस्ट करना है, फ्लैश लाइट बंद करूंगी और मुझे लग रहा है ये भाभी आपने तो जगह पहले ही बनाई हुई है। भाभी ने अपना फोन इधर रखा हुआ है, इधर रखूंगी ना, इधर 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 इस बोतल के पीछे, ये बर्तनों के पास, इसको पता भी नहीं चलेगा। A few moments later. चले जी गाइस, हमारा जो है वो टॉपिक डिसाइड हो गया। टॉपिक ये है कि भाभी मुझे मैं कहूंगी रोटी बनाओ। हाँ आप बोलेंगी रोटी बनाओ, तो मैं कहूंगी मुझे तो रोटी नहीं आती है, तो मैं गलत मतलब आ गया है। अरीब ही है ना, देख ले भाई कैमरा से चेक कर ले, अरीब है। हाँ, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग फिर प्यार करो, ठीक है। भाई आपने उसको बिल्कुल हवा नहीं लगता और हंसना बिल्कुल नहीं, अगर आपने तुम कैसे हो? ओके डन। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। टाइम लग जाता है आपको, सुबह से जाते हो पता नहीं इतनी टाइम, एक बार कॉल भी नहीं किया बेगम से। आपके साथ कैमरा, कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक, आपका क्या हाल है? ठीक ठाक। मेरे से पूछ रही हूँ, आगे से पूछ रही हूँ? मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, आपने तो मुझसे पूछा नहीं है कि क्या हाल चाल है। सर इतना दर्द हो रहा था, सारा दिन घर की सफाई करती रही हूँ, भूख लगी हुई है, मैंने कहा मुझे खाना खिला दो, आप क्या खा रहा है? मैं कैसे कहूँ फिर? नहीं नहीं खा, बना देती हूँ, बना होगी कहाँ। चाय पीनी है, क्या पीना है बता दे। चाय बना दो, चाय बना दो, कुछ खिला दो। सर दर्द हो रहा है, अभी मैं काम करने लगी हूँ, तो वो बस अब हम कुछ अरीब के लिए बनाते हैं खाना शाना। थैंक यू। पानी पिला दूँ? ओके, तब अरीब को हम पानी शानी पिलाते हैं और उसके बाद हमने बनानी अरीब के लिए भाभी रोटी, ठीक है? अरीब के लिए रोटी बना, अरीब के लिए, अरीब के लिए।
पानी दे के आती हूँ, उसके बाद मैं रखूंगी चाय जो उसके लिए। अच्छा। और साथ में ना थोड़ा सा ना खुश्क आटा, जैसे रोटी पकाते पकाते कुछ गड़बड़ी करूंगी और आपने मुझे डांटना शुरू कर देना। भाभी आपने सही डांटना, अगर आपने प्रैंक में किया ना वो के पता लग गया मेरा सारी चीज पे पानी फिर जाना प्रॉपर। आज आपने जिंदगी में अपने बचपन में कभी सोचा होगा ना कि मैं एक्ट्रेस अगर बनती तो मैं कैसी होती, तो बस वो आज सारी एक्टिंग यहाँ निकालूंगा। ठीक है, सो गाइस दरवाजा हम लोगों ने बंद कर दिया है और अब स्टार्ट होता है प्रैंक का असली पार्ट। ठीक है, फ्लैश वगैरह ऑफ है, फोन का किसी को पता नहीं चलेगा, भाभी का रेगुलर फोन ऐसे पड़ा होता है। अब बस हम लोगों ने करना शुरू अपना ड्रामा। क्राम, हाँ जी बन गई है चाय? हाँ जी बस बन रही है। अभी तक चाय नहीं बनाई तुमने? नहीं, वो आती नहीं है ना मुझे बनानी, इसलिए। यार घंटा हो गया कहा हुआ है उसने भी, और ये क्या किया, दूध ही रात गया यार इसको उसने लग गया भाई। इसमें पानी भी तो डालो इकरा, क्या कर रही हो? क्या किचन में गंद डाला हुआ? मैं किचन में नहीं आई हूँ तो किचन का हाल देखो क्या करूँ। अगर क्या दूध क्यों गिराया इधर, चाय नहीं बनानी आती? ये कोई तरीका है आपका मेरे से बात करने का? ऐसे कहते हैं किसी को जब कोई नई नवेली दुल्हन घर आए तो। कब से घंटा हो गया मैं आपकी बातें सुन रही हूँ। क्या हुआ है यार, थोड़ा सा दूध गिरा, वो इतना बोलने लग गई है मेरे पे। इधर आओ, आके देखो जरा अपनी बीबी के काम। क्या हुआ है? चाय बनाने को कहा तो सारी शेल्फ पे दूध गिरा दिए। यार दो कतरे गिरे यार, कह रही तुम्हें चाय नहीं बनाने आती है। मैं क्या करूँ यार, मुझे कौन सा चाय बनाने आती है? क्या हो गया, क्या करी जा रहे हैं आप? रोटी बनाई है मैं, एक दिन मैं बिस्तर पे क्या लेट गई हूँ, मैंने कहा मेरे बंदे की रोटी बना दो, रोटी भी नहीं बनाई। सारा दिन मैं खिदमत करती हूँ, एक काम ठहर गया, वो नहीं हो रहा तुम्हारी बीवी से। भाभी उसको नहीं बनानी आती रोटी यार। अभी मेरी बात सुने, चलो पर तुम ऊपर चलो, आओ चाय से बना ला। मैंने नहीं आई जाके बात, इससे मुझे क्या हो गया? अभी दो सेकंड पहले भाभी मार दी, अभी भाभी विलन हुई है। क्या हो गया? लेती हूँ अपनी बीवी को, ले जाओ इधर से। यार बीवी क्या तरीके है यार, मैं बड़ी है, चुप कर जाओ तुम लोग इधर से। यार क्या मतलब बड़ी है यार, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? एक रोटी बना के आप करके रख दिया है। मैंने यार कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने सिंपल यही कहा कि नहीं आती मुझे बनाने। यार मैं क्या कह रहा हूँ, चलो यहाँ से। जी यार भाभी क्या हो गया? मैं अपने घर ही चली जाऊँ। क्या हुआ इकरा, क्या किया तुमने? तुमसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अरे कुछ भी नहीं किया यार, मैंने सिंपल चाय रखी है, कह रही है रातों में दूध। इकरा क्या हो गया यार, बड़ी है क्या हो गया? कुछ मैंने आगे से कुछ भी नहीं कहा है, बड़ों के साथ इसलिए बात करते हैं। यार मुझे नहीं पता रही, मैं आपकी चाय तो लेके जाऊँ ना यार, वो पका दो। मैं क्या करा यार, तुम पहले यहाँ चलो, छोड़ दो चीज़, कुछ फायदा नहीं। तुम लोग क्या करी जा रहे हो? जी मैंने तुम्हें चाय का, तुम्हें क्या हो गया यार? बंद ही है यार, नहीं लड़ते बड़े हैं, छोड़ो नहीं लड़ो। मैं नहीं लड़ रही हूँ यार, वो देखो मेरे किचन से बात ना करे कुछ, कैसे बात कर रही है यार? क्या हो गया है? एक छोटी सी चीज है, वैसे समझा दे, आप बड़ी हैं, आप नहीं समझाना है। एक रोटी बनाने को कह दिया, वो नहीं इससे बन रही। तुम्हारे कुछ नहीं होता, ऊपर चलो, मैं करता हूँ बात। नहीं उनका नहीं मूड सही होगा, तबीयत खराब है उनकी, जाओ ना प्लीज। अभी क्या हुआ है अभी हंस रही? गुस्सा आ गया खतरनाक वाला हो गया मैं। अरे सच में टेंशन में आ गया तुम यार। रीप क्या हो गया, क्या इस प्रैंक ना मुझे आवाम ने बहुत कमेंट किया। मुझे कजन से बहुत मजा आया, लेकिन मेरे से एक्टिंग नहीं, भाभी ने क्या तबाही एक्टिंग की है, मानते हो? फिर आपकी भाभी भी एक कलाकार है मेरे ख्याल से, सारी जिंदगी एक्टिंग करती है बचपन में। इसको कितनी खुशियां हो रही है, पता था ना पूरे प्लान का, पता था ना इसको। कसम
मुझे 1% उम्मीद नहीं थी कि आप ये कर सकती हैं। उम्मीद तो दुनिया कायम है, कभी जिंदगी में नहीं किया, तुम्हें क्या हुआ एकदम, ये कहां से ख्याल आया? अरीब, ये मैंने ना कमेंट पढ़े थे लोगों का, अरीब के पास कोई प्रैंक है। मेरे कसम से मेरे दिल की धड़कन देखो, आई एम सॉरी, कसम से इकरा ने मुझे कहा प्रैंक करना, मैंने कहा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मैं तुम दोनों मियां बीवी जो है ना, ये दोनों मिलकर मुझे प्रैंक करवाते हो। बहुत तगड़ा वाला प्रैंक हो गया भाई ये तो। लेकिन सबसे अच्छा, लेकिन हाँ, लेकिन लेकिन सबसे अच्छा प्रैंक भाभी सही बताएं कौन से में मजा आया आज वाले में। तो बस मैंने इसलिए तो कहा था कैमरे को देखे, हाथ हाथ तो हिलाए एक दफा कैमरे को, हाथ नहीं हिलाने का मैंने दिलचार। वैसे अरीब एक बात कहूँ, ऑनेस्टली दाना खासा ही सिचुएशन हो रही थी, मुझे पता लग गया कि आप क्या रिएक्ट करोगे। क्या रिएक्ट करूंगा, मतलब समझदारी से काम लोगे, जज्बाती नहीं हो जाते हो, आप दोनों की सुन रहे थे, दोनों को अंडरस्टैंड कर रहे थे। क्या करता मेरी दोनों, जाहिर सी बात है, लेकिन आइंदा के बाद नहीं करना ये चीज यार, नहीं करती अरीब, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आपकी चाय सही वाली बन रही है, कोई मैंने दूध नहीं गिराया था, इट वॉज जस्ट दो सेकंड में मेरा, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह माफ करे। चाय शाय बनाते हैं, पीते हैं सारे बैठ के, अल्लाह हमारी फैमिली को नजरें बद से बचाए, हम लोग हंसी खुशी रह रहे हैं, ऐसे ही रहते रहे, आमीन। और ये सिर्फ एक प्रैंक था, ठीक है। मैं जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? आज क्या है? क्या यार, आज क्या दिन है? आज हफ्ता, हफ्ते को क्या होता है? हफ्ते को होता है क्रिकेट बॉयज डे। अरीब मैं जा रहा हूँ। नहीं मेरी बात सुने, ये अभी आप थके हुए आए हो, थके हुए थे, मैं तो बहुत थक गया हूँ काम करके, अब क्रिकेट की दफा नहीं आप थके हुए? पूरे हफ्ते में एक दिन जाता हूँ मैं, अब वो मसला हो गया है, अब हर हफ्ते यही चलेगा? नहीं हर हफ्ते मैं नहीं जाऊँगा, हर सैटरडे जाऊंगा। उठता था जाता था, कोई टेंशन नहीं होती थी, अब एक दिमाग में टेंशन होती है कि पहले बेगम को मनाना है, सेट करना है, फिर जाऊंगा, फिर हाँ। करने जाऊंगा है। वेरी रिलेटेबल बात है ये, आप ये आप नहीं पूछेंगे तो, वैसे मैं वो बीवी नहीं हूँ जो इजाजत नहीं देती। हाँ ये तुम हर बार यही कहती हो फिर मना भी करती हो। आपको इजाजत दी है? इजाजत दी है, दे दी है, बहुत शुक्रिया आपका। ओके तो ठीक है। A few moments later, अभी मुझे आ रही है बहुत शदीद वाली नींद, रात के 4 बजे और अरीब अभी तक घर नहीं आए, मैं लगी हूँ सोने, मुझे आ रही है बहुत ज्यादा। चलो भाई वीडियो इधर ही एंड होता है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का प्रैंक था और सच में लिटरली अरीब डर गया था। मतलब एक हस्बैंड होता है ना, वो अपने झगड़ों से कम डरता है, लेकिन उसकी वाइफ का किसी उसके घर वाले से झगड़ा हो या उससे सबसे ज़्यादा डरता हो, तो लिटरली अरीब का फेस देखने लायक था यार। बाकी काफ़ी समझदारी से भाई वो निपटा रहे थे मामले को, दोनों तरफ बातें कर रहे थे, बोल रहे थे कि वो बड़ी है, बोल दिया तो क्या हुआ ये वो। हाँ उधर तो, भाभी को भी समझा रहे थे हाँ। कि उसको आपको ऐसे कहना है सब कुछ ये वो, लेकिन वो उसमें भी पता ऐसा हो जाता है, अभी तो यहाँ पर लड़की इकरा समझदार है तो इन्होंने समझ ली ये बात कि हाँ ये दोनों को समझा रहा था बंदा। लेकिन कई बार कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है कि आप उसको समझाओगे ना तो तुम्हें तो मेरी गलती दिखती है हमेशा, ये वो भी होता है तो उनको ये दिक्कत हो जाती है कि भाई उनको बोलो मेरे को क्यों समझा रहा है, जबकि उनको ये समझ में नहीं आता कि बंदा दोनों को ही बोल रहा है, दोनों को ही समझा रहा है, लेकिन उनको सिर्फ वो बात दिखती है जो सिर्फ मेरे को ही बोल रहा है, उनको कुछ बोल ही नहीं रहा, जबकि उनको बंदा बोल ही रहा होता, समझा रहा होता। बाकी जो भी हो भाई बहुत जबरदस्त प्रैंक था, और लिटरली अरीब की जगह कोई भी लड़का होता ना किसी की भी फट जाती भाई। बाकी बहुत भाई हंसी को कंट्रोल कराया, बहुत हंसी आ रही थी इनको, बहुत कंट्रोल कराया, एंड में जब वो भाभी को समझा रहे थे उनकी तो वो हंसने लग गई थी भाभी, तभी पता चला वो। और इनका जो एंड वाला जो पार्ट था ना जिसमें अरीब क्रिकेट खेलने का जाने का बोल रहा था और इकरा वो बहुत रिलेटेबल था, हम भी कभी अपने दोस्तों के साथ कहीं जाते तो हमारी वाइफ भी जो है ऐसी करती है, थोड़ा सा ऐसा फेस बनाती है, फिर उनको थोड़ा समझाना पड़ता है। दोस्तों के साथ जाओ तो ऐसे ही होता है, मतलब पहले मुझे लगता था ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही होता है, लेकिन अब ये समझ में आएगी कि दुनिया की हर बीवी ये चीज़ करती है। बाकी अभी मेरे साथ तो भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी, मतलब अभी तो अभी हुई है ना शादी, अभी कहाँ से पता चलेगा कुछ, धीरे धीरे पता चलेगा। बाकी आप बताइए दोस्तों आपको आज का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।